ये जम्मू कश्मीर में बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, उदयपुर से लेकर रियासी में उसके तार जोड़े जा रहे हैं। और जो भाजपा बड़ी देशभक्ति का दावा जिस ढंग से ठोकती थी, आज जिस ढंग से वो अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव उन लोगों ने शुरू किया, मिस के यहाँ पे आओ, और भाजपा ने मिस कॉल के माध्यम से जिस ढंग से मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे की है, जो आज दावा यहाँ पे करते हैं, क्या वो सिलेक्टिव किलिंग, क्या वो टारगेटिंग किलिंग, ये उन जगह पे जाना फैसिलिटेटर का काम तो यहाँ पे नहीं किया। ये कांग्रेस मांग यहाँ पे करती है कि उच्च स्तर की जांच यहाँ पे हो। अब NIA साइलेंट क्यों है? आज भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारीगण, चाहे कार्यकारिणी की मीटिंग अहमदाबाद में हो, हैदराबाद में, वो खामोश क्यों है? अमित शाह जी के साथ तस्वीर है तो इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी जारी करेगी। और भाजपा का असली चेहरा हाल ही के ये अभी 25 विधायक चुन के भेजे हैं, तो 25 विधायक चुनने के बाद 3 मेंबर पार्लियामेंट है, 1 PMO उसमें है, तो रिक्रूटमेंट ड्राइव जरा पे शुरू होगी। क्या जो अग्निपथ स्कीम 4 साल के बाद और रिक्रूटमेंट ये लोग करने के लिए यहाँ पे जाएंगे? जिस ढंग से भाजपा के एक मिनिस्टर ने, पदाधिकारी ने कहा था कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको हम अपने दफ्तरों में यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ये बड़ा जांच का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार सत्ता के नशे में सोई सरकार जागे और जनता को जवाब दे। ये हिंदुस्तान की जनता के सामने एक सवालिया निशान है कि भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आया, ताकि इसका असली चेहरा लोगों के सामने यहाँ पे आ सके। ये तस्वीरें हैं जो जिसके साथ भाजपा के अध्यक्ष सिर्फ जुमलों की बरसात करने के लिए बोलते थे, चिंता नहीं करनी, चिंता तो आप लोगों को करनी पड़ रही है, क्योंकि इनके बीच में आके वो घुसपैठिए अंदर जाते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय NIA से जांच हो रही है, लेकिन कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसके इतने सालों से था, कैसे इसको ओहदे दिए गए, जिन्होंने और जिसके निर्देश पे भाजपा के नेताओं पे, क्यों कि उसके भाजपा ने अपनी रूलिंग पार्टी का लाइसेंस दिया हुआ था। कंधार पे भी छोड़ने वाले ये लोग थे, पठानकोट में ISI वालों को एयरबेस में लगाने वाले भी ये लोग, इनके सामने आ गया, अब तो इनके घर में, इनके पेट में ये पलने वाले ये लोग हैं। कांग्रेस मांग करती है कि उच्च स्तर की जाँच हो, जिन लोगों ने फेलिसिटेट किया वो भी बुक किए जाएं, ताकि ऐसे तबकों को जो अपना देने वाले लोग हैं वो भी पूरा ही उतना ही कसूरवार हैं। देश की सुरक्षा के साथ पत्रकार ही बन जाता है, रूलिंग पार्टी का अहदेदार ही बन जाता है, सब के साथ वो देश के लिए खतरा है, गृह मंत्री के अगर मीटिंग में चला जाता है उनको भी खतरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।